नमस्कार, खबर समय स्वागत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 वर्ष पूर्ण होने पर शनिवार की शाम हिंदू समाज के द्वारा हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसके तहत श्री हरदम लाला हनुमान मंदिर से ढोल धमाके के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसके पूर्व धार बौद्धिक विभाग के सह बौद्धिक प्रमुख शैलेंद्र जी शांडिल के द्वारा उपस्थित कार्यकर्ताओं को बौद्धिक दिया गया। शोभा यात्रा नरसिंह मार्ग चार भुजा मंदिर मार्ग होते हुए बस स्टैंड स्थित श्री राम मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा के साथ शिवाजी महाराज की सुसज्जित ट्रैक्टर पर झांकी भी चल रही थी। रास्ते भर युवा कार्यकर्ता भगवा ध्वज लेकर नाचते हुए चल रहे थे। वहीं कई युवाओं के द्वारा अखाड़े में करतब दिखाए गए और यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा के द्वारा स्वागत किया गया। यात्रा के श्रीराम मंदिर पहुंचने पर भारत माता की आरती उतारी गई और प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। अमझेरा से मुकेश राठौर की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल।